हेलो स्टूडेंट्स, करेंट अफेयर्स के सीरीज में आज है 7th ऑफ जनवरी 2024। आज सेलेक्ट एफर्ट क्या लेकर आए हैं आपके लिए, क्या है इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तो चलिए देख लेते हैं इसको। साथ में हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड से जो भी न्यूज़ है वो, या फिर ट्रेंडिंग जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला पॉइंट आ रहा है, वेयर हैज द बीच गेम्स 2024 लॉन्च। भारत में पहली बार बीच गेम्स हो रहा है, बीच गेम्स 2024 ये कहाँ शुरू हुआ है ये बताना है आपको। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज दीव। द फर्स्ट बीच गेम्स 2024 वाज इनॉग्रेटेड एट गोहाला बीच इन दीव। बीच गेम्स 2024 विल बी हेल्ड फ्रॉम 4th to 11th of January 2024। गेम्स लाइक बीच वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, ओके, टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, मलखम एक्सेट्रा विल बी ऑर्गेनाइज। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर ओलंपिक्स आने वाले, ओलंपिक्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं, क्या है उनका वेन्यू और किस साल में होंगे। 2024 में पेरिस में होगा समर ओलंपिक्स, 2028 का समर ओलंपिक्स होगा लॉस एंजलिस में, और 2032 को होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरीके से एशियन गेम्स का क्या क्या वेन्यूज हैं आने वाले, सो 2026 में आइची नागोया जापान में होगा, 30 में होगा दोहा कतर में, 2034 में रियाद सऊदी अरेबिया में होगा। साथ में कुछ और भी टेकअवेज हैं, फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल कहाँ पे होगा 2026 का, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए तीनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप से याद रखिएगा, 2027 में साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे मिलकर के क्रिकेट वर्ल्ड कप वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे होगा, तो 2024 का वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे याद रखेंगे। नाउ नया ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स निकला, इसमें भारत से सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन या पर्सन कौन हुए। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपको, मुकेश अंबानी, शिव नादार, गौतम अडानी और अजीम प्रेमजी। और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, गौतम अडानी। पूरा टेकअवेज इसका देख लेते हैं, गौतम अडानी इज एट द टॉप 12th पोजीशन इन द वर्ल्ड रैंकिंग, अंबानी इज डाउन वन प्लेस एट 13th पोजीशन। तो पूरी दुनिया में भी ये 12th पोजीशन में गौतम अडानी और अंबानी इसमें 13th पोजीशन पे है, मुकेश अंबानी, ओके। सो गौतम अडानी नेटवर्थ इज हैज रीच $97.6 बिलियन और इनसे थोड़ा सा ही कम है, $0.6 बिलियन कम है मुकेश अंबानी। वैसे ये रोज का रोज बदलता रहता है लिस्ट जो उनके वर्थ हैं। मुकेश अंबानी नेटवर्थ इज $97 बिलियन। सो एलोन मस्क सीईओ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बिजनेसमैन विद अ नेटवर्थ ऑफ 18 लाख करोड़। सेकेंड प्लेस पे है अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस और थर्ड प्लेस पे है बर्नार्ड एर्नोल्ड। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर। विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल स्लाइड्स। एक्चुअली कैमल के 6 प्रजाति हैं, उसको मिलाकर के बोला जाता है कैमल स्लाइड्स, इनको इनका एक ग्रुप है और इनके जो टोज है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं टोज, तो इसीलिए इनका एक खास ग्रुप माना जाता है। तो विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल स्लाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस। और राइट आंसर है इसी साल यानी 2024। टेकअवेज देखते हैं, द यूनाइटेड नेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स। द डिसीजन वॉज टेकन टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैमलिड्स इन द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कैमलिड्स मीन्स इवन टोड रूमिनेंट मैमल्स। 2023 यानी प्रीवियस ईयर था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इसे भी आप याद रखेंगे। और कुछ और टेक अवेज है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बताए यूनाइटेड नेशंस के बारे में, ये एस्टैब्लिश हुआ था 24th of October 1945 को। अभी इसमें टोटल मेंबर नेशंस हैं, मेंबर कंट्रीज हैं 193। लैंग्वेज इसमें रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज एंड स्पेनिश है। सेक्रेटरी जनरल इसका एंटोनियो गुटेरेस है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स में है। और ऑब्जेक्टिव इसका टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, वैसे बहुत इफेक्टिव तो नहीं हुआ, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्यों ये बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए
उधर रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भी स्टार्ट हो रखा है। अभी पूरा तो नहीं हुआ, साउथ कोरिया ने रिटेलिएट नहीं किया, बट नॉर्थ कोरिया ने ऑलमोस्ट पोक कर दिया है कि वो शुरू करे। उसी तरीके से इसराइल और जो गाजा पट्टी है उस एरिया में भी लड़ाई छिड़ा हुआ है, इनफैक्ट ये काफी ब्रॉड हो चुका है। तो इस तरीके से देखा जाता है इनका ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रहा है। चलिए उसके बारे में आगे देखेंगे हम, फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और उसके पहले यहाँ बताया ये जा रहा है कि आपके लिए सिलेक्ट एफर्ट लेकर आते हैं करेंट अफेयर्स के एकदम हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस आप फेस करें बहुत इजीली आप उसके थ्रू सेल कर पाए। जैसे ये चार चीफ मिनिस्टर्स नए बदले हैं, अभी इलेक्शन हुआ था, ये भी हैं पांच इनफैक्ट, और गौतम अडानी के बारे में या बीच गेम्स क्या हो रहा है और इकोनॉमिक वर्ल्ड से क्या न्यूज़ है, ऐसे तमाम न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको ये हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ पर इन विच स्टेट हैज द फ्री एजुकेशन स्कीम फॉर गर्ल्स स्टार्टेड KG to PG। तो KG to PG फ्री एजुकेशन गर्ल्स के लिए कहाँ शुरू किया गया है रिसेंटली, और राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज राजस्थान। सो राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स फ्रॉम KG टू पोस्ट ग्रेजुएट PG। इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड गैस सिलेंडर्स टू पुअर फैमिलीज फॉर ₹450। तो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है कि ये भी राजस्थान गवर्नमेंट ने, पिछले गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि अब वहाँ पे गैस सिलेंडर मिलेगा ₹450 में। वैसे अशोक गहलोत की सरकार तो अब चली गई, अब नई सरकार बनी है BJP की। टेकअवेज यहाँ देखते हैं, कैपिटल यहाँ पे है, कैपिटल है इसका जयपुर, और नए चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा जो BJP के हैं। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी याद रखिएगा, रणथंबोर, सरिस्का नेशनल डेजर्ट, केवल देव ये बर्ड सेंचुरी है, इसे भी याद रखेंगे, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी इसको बोलते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, आफ्टर विच ईयर विल द मेंबर नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स एक्सीड दैट ऑफ मेल वोटर्स इन इंडिया। तो एक समय आने वाला है जब फीमेल वोटर्स का नंबर मेल वोटर से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है। और ये कब होने वाला है, ये होने वाला है सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए 2029 में। और यहाँ पर कुछ टेक अवे से, अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक रिपोर्ट आफ्टर द 2029 इलेक्शंस द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स विल एक्सीड मेल वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन 2024 इलेक्शंस विल बी अप्रोक्सीमेटली 68 करोड़ ऑफ विच वीमेन वोटर्स विल बी 33 करोड़, दैट इज 49%, और यही इंक्रीज करके 50+ में चला जाएगा बाई 2029। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु हैज वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 टाइटल। विजय हजारे टूर्नामेंट हुआ, ये किसने जीता है, कौन सा स्टेट ने जीता है, और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, हरियाणा ने जीता है। चलिए टेक अवेज देखते हैं, हरियाणा हैज वन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम, रनर्स अप राजस्थान, यानी राजस्थान फाइनल्स में हारा है। विजय हजारे ट्रॉफी इज नोन एज रणजी वन डे ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाई BCCI इसको ऑर्गेनाइज करता है, और ये वन डे टूर्नामेंट होता है विजय हजारे ट्रॉफी। टेकअवेज यहाँ पर है, महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7 जर्सी हैज बीन रिटायर्ड, यानी कि अब ये नंबर जर्सी धोनी के साथ ही जुड़ा रहेगा, नंबर 7 जर्सी किसी भी प्लेयर को नहीं दिया जाएगा। बहुत बड़ा ये रिकग्निशन है महेंद्र सिंह धोनी के लेवल के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। IPL ब्रांड वैल्यू हैज क्रॉस्ड $10 बिलियन, बहुत बड़ा हो गया है IPL। मोहम्मद शमी हैज बीन नॉमिनेटेड बाय फॉर अर्जुना अवार्ड, एंड सात्विक चिराग हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर खेल रत्न अवार्ड। ट्रैविस हेड नेम्ड ICC प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से रिलेटेड है, इसलिए इसे भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे हम अपने रिवीजन वाले सेक्शन में, यानी कि लास्ट वीक में जो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के रिवीजन में कौन कौन से पॉइंट है। यहाँ पहला पॉइंट आ रहा है, कंट्री दैट हैज लेफ्ट OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ग्रुप से कौन बाहर आया है, दैट इज अंगोला। गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024 फ्रांस, यानी 26 जनवरी का जो हमारा सेलिब्रेशन होता है रिपब्लिक डे, उसमें जो गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट होंगे, वो फ्रांस होगा, फ्रांस के प्राइम प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाले हैं। नाउ यहाँ पे इंडियन फीमेल रेस्लर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम रेसलिंग
साक्षी मलिक कुछ विवादों के चलते इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना JN1 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका नाम मतलब एक टैक्सा दे दिया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किसने दिया है तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने। हाउ मेनी हेरिटेज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इंडिया हैव रिसीव्ड द यूनेस्को's एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023? टोटल 6। नाउ स्टेट वेयर द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स बी हेल्ड दैट इज तमिलनाडु। India's first live hearing has started in the High Court of Madhya Pradesh. There are 10 black tiger in Simlipal Tiger Reserve. तो आपको बताने कि Simlipal Tiger Reserve ये किस स्टेट में है और ये है उड़ीसा में। ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज आपके लिए। उम्मीद है ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।